हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यार आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 रेनो काइगर का। बात की जाए अगर वेरिएंट की तो RXT ऑटोमेटिक वेरिएंट आप सामने की तरफ देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा ये वेरिएंट आपके लिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अपने सेगमेंट की आप इसको फीचर किंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी आपके लिए रेनो काइगर, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगी और डायमेंशंस भी काफ़ी अच्छी रखी गई हैं रेनो काइगर की, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी आपके लिए गाड़ी। अगर आपका बजट भी 8 to 9 lakhs है तो आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पर आपको बड़ा सा रेनो का लोगो देखने को मिलेगा क्रोम में, और ग्रिल भी आपको यहाँ पर क्रोम इंसर्ट के साथ ही ऑफर की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्रोम का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन भी आपको काफ़ी बॉक्सी सा यहाँ पर देखने को मिलेगा रेनो काइगर का फ्रंट प्रोफाइल में। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ DRLs ऑफर किए गए हैं वाइट में, और यहाँ नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, ये आपको हेलोजन में ऑफर किए गए हैं। हेडलाइट यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लो बीम और यहाँ पर आपको हाई बीम ऑफर की गई है, और इसके सराउंडिंग्स में आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। और हेडलाइट का रिस्पांस भी आपको काफ़ी टॉर्च नॉब देखने को मिलेगा नाइट के टाइम में। आपको फॉग लैंप्स का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और आपको फॉग लैंप्स की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इसकी हेडलाइट का थ्रो ही काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नंबर प्लेट का स्पेस दिया गया है, और सराउंडिंग में आपको ब्लैक ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और इसको काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लुक ऑफर कर रही है फ्रंट प्रोफाइल में। तो ओवरऑल आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। काफ़ी ज़्यादा आपको एरोडायनामिक यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बात की जाए अगर इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड से भी काफ़ी अच्छी डायमेंशंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा इसका व्हील बेस यहाँ पर ऑफर किया गया है। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2500mm का आपको यहाँ पर व्हील बेस देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी बड़ी बड़ी फील होगी आपको ये। यहाँ पर आपको ऑल ओवर द बॉडी ब्लैक क्लाइडिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसको काफ़ी स्पोर्टी टच ऑफर कर रही है साइड प्रोफाइल में भी। यहाँ पर भी आपको ब्लैक क्लाइडिंग ऑफर की गई है। बात की जाए अगर यहाँ पर टायर्स की, तो यहाँ पर आपको 16-inch के स्टील रिम्स ऑफर किए गए हैं, बट आपको ये बिल्कुल अलॉयज का लुक ऑफर करते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। टायर सेक्शन की अगर बात करें तो 195/60R16 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, और टायर प्रोफाइल जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, काफ़ी अच्छी आपको राइड क्वालिटी ऑफर करेगी। और यहाँ इसके जस्ट ऊपर आपको ब्लैक में स्कूप देखने को मिलेगा इसके फेंडर पर, जो कि अगेन इसको काफ़ी स्पोर्टी टच ऑफर कर रहा है। अपर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर वेरिएंट की बैजिंग देखने को मिलती है। बात करें अगर यहाँ पर ORVM की, तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक में इसके ORVM देखने को मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। LED में आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, ये भी काफ़ी अमेजिंग लगता है। पियानो ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा इसकी साइड प्रोफाइल की लुक्स को इन्हेंस कर रहा है। डोर हैंडल्स की अगर बात करें तो अगेन आपको पियानो ब्लैक में ही देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। बात की जाए अगर यहाँ पर नीचे की, तो अगेन यहाँ पर आपको ब्लैक क्लाइडिंग देखने को मिलेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 205mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। और बात की जाए अगर यहाँ पर ऊपर की, तो यहाँ पर आपको सिल्वर में रूफ रेल्स देखने को मिलेंगी, जो कि फंक्शनल है। अपने आप वेट को भी यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्रोम इंसर्ट जो देखने को मिल रहा है, ये इसका एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी आप इसको इंस्टॉल करा पाएंगे। तो ओवरऑल आपको इसकी साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। काफ़ी स्पोर्टी टच यहाँ पर ऑफर किया गया है इसकी साइड प्रोफाइल में, और काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी सा इसका डिज़ाइन रखा गया है। और बात की जाए अगर यहाँ पर इसकी लेंथ की, तो 3991mm की आपको लेंथ देखने को मिलेगी। तो डायमेंशंस वाइज भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी रेनो काइगर। चलते हैं रेनो काइगर की रेयर प्रोफाइल में। तो रेयर प्रोफाइल जो है इसकी, इस पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। काफ़ी स्पोर्टी आपको यहाँ पर इसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। LED टेल लाइट्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया गया है, जो कि इसकी रेयर प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना रहा है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक में शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिश ऑफर की गई है इसके स्पॉइलर पर। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट, और यहाँ नीचे की तरफ आपको वाइपर की प्लेसमेंट ऑफर की गई है। तो RXT वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल फीचर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए ये वेरिएंट। और यहाँ पर आपको बोर्ड पे काफ़ी अच्छे कर्व्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना रहे हैं इसकी रेयर प्रोफाइल को। बीच में आपको यहाँ पर रेनो का लोगो देखने को मिलेगा क्रोम में, और यहाँ पर आपको इसका रेयर व्यू कैमरा ऑफर किया गया है। काफ़ी डिसेंटली यहाँ पर प्लेस किया गया है ये। नीचे की तरफ आपको काइगर की बैजिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको रेनो की बैजिंग ऑफर की गई है।
वेरिएंट की आपको बैजिंग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। और बात की जाए अगर यहाँ पर इसकी टेल लाइट यूनिट की, तो एलईडी में आपको इसकी टेल लाइट यूनिट देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। और यहाँ नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर की पोजीशन देखने को मिलेगी, और यहाँ ऊपर की तरफ आपको बैकलाइट की पोजीशन ऑफर की गई है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इसकी टेल लाइट का डिज़ाइन भी, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है नाइट के टाइम में स्पेशली। तो ओवरऑल आपको इसकी जो रेयर प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और रेयर पार्किंग के लिए आपको यहाँ पर 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी ऑफर किए गए हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ साथ, जो कि आपको रेयर पार्किंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का स्पेस दिया गया है, और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ सिल्वर में इसकी स्किड प्लेट्स देखने को मिलेंगी, जो कि अगेन इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक ऑफर कर रही हैं रेयर प्रोफाइल से। और बात की जाए अगर यहाँ पर रेनो काइगर के रिवेल्स की, तो मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सोन और किया सोनेट जैसी गाड़ियों को काफ़ी अच्छे से कम्पीट करती है रेनो काइगर। बट मेनली अगर हम बात करें प्राइस के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रेनो काइगर ही रहेगी, क्योंकि इसमें आपको लुक्स भी मिल रही हैं, फीचर्स भी मिल रहे हैं, पावर भी मिल रही है। बात की जाए अगर यहाँ पर रेनो काइगर के बूट की, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है इसके बूट को ओपन करने के लिए, यहाँ से आप इजीली अपने बूट को ओपन कर पाएंगे। बात करें अगर यहाँ पर बूट साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 405 लीटर्स का बूट साइज़ ऑफर किया गया है, जो कि अगेन बेस्ट इन सेगमेंट है। और यहाँ पर पार्सल ट्रे भी आपको ऑफर की गई है RXT वेरिएंट में। इतना बड़ा बूट आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है इस सेगमेंट में। और बात करें अगर यहाँ स्पेयर व्हील की, तो यहाँ नीचे की तरफ आपको प्लेस मिलेगा, और टूल्स की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ नीचे की तरफ ही देखने को मिलती है। तो बूट साइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, काफ़ी सारा अपना सामान आप यहाँ पर इजीली रख पाएंगे। और बात करें अगर यहाँ पर रेनो काइगर के बिल्ड की, तो बिल्ड भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ देखने को मिलेगी रेनो काइगर में। 4-star सिक्योर करती है आपकी एनकैप रेटिंग में रेनो काइगर, तो सेफ्टी वाइज भी आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो लुक्स के साथ साथ आपको यहाँ पर सेफ्टी भी ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको इसका फ्यूल फिलर कैप देखने को मिलेगा। और बात की जाए अगर यहाँ पर फ्यूल टैंक की, तो 40 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। तो ओवरऑल अगर हम इसके लुक्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो अपने रिवेल से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है आपको ये देखने में। स्पेशली इसकी रेयर प्रोफाइल जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पोर्टी सा डिज़ाइन आपको ऑफर किया गया है। किसी भी अगर आपको गाड़ी में इस सेगमेंट में इस टाइप का डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो RXT वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग्स ऑफर होते हैं, और साथ ही साथ ABS भी, DVD भी यहाँ पर आपको ऑफर किया गया है। चलते हैं रेनो काइगर के कैबिन की तरफ, देखते हैं आपको RXT वेरिएंट में क्या कुछ ऑफर किया गया है एज अ फीचर्स यहाँ पर। तो डोर ट्रिम की अगर बात करें, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर डोर ट्रिम देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको ड्यूल टोन का यूज़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ऑल फॉर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, और यहाँ पर ORVMs के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको मैट ब्लैक फिनिश में इसका डोर हैंडल, और यहाँ पर आपको लॉक एंड लॉक की नॉब देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर और स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पर आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर सेंटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। और फिट एंड फिनिश भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी इसके सेंटर कंसोल में, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मटेरियल का यूज़ किया गया है। और इवन RXT वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर टच स्क्रीन ऑफर किया गया है, जिसके कारण इसका जो सेंटर कंसोल है काफ़ी प्रीमियम लगता है। बात करें अगर यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर बीच में आपको रेनो का लोगो देखने को मिलेगा, और सराउंडिंग में आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है। और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मीडिया के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, और टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी आपको यहीं ऑफर किए गए हैं, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। तो स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैंडी देखने को मिलेगा, काफ़ी ईजी टू यूज़ है ये। यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल, और लेफ्ट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इसका जो स्टेयरिंग व्हील है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होगा आपको। बात करें अगर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर RPM मीटर ऑफर किया गया है, और बीच में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, और राइट साइड में आपको यहाँ पर फ्यूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और बीच में आपको MID में यहाँ पर टिप्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। डिस्टेंस टू MT जैसे फीचर्स भी आपको यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगा। काफ़ी ब्राइट सा आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको सराउंडिंग में क्रोम ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है, जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच ऑफर कर रहा है। और यहाँ AC वेंट्स के सराउंडिंग्स में भी आपको सिल्वर टोन देखने को मिलेगी, यहाँ पर बीच में भी आपको सेंटर कंसोल में ये ऑफर की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसके सेंटर कंसोल को बना रही है। बात करें अगर यहाँ पर इंफोटेनमेंट की, तो यहाँ पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले ऑफर किया गया है। और बात करें अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी की, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स और USB जैसी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और यहाँ नीचे की तरफ आपको AC वेंट्स की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी,
और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर डोर्स को लॉक एंड लॉक करने का बटन और यहाँ पर आपको हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। नीचे की तरफ आपको इसका मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी इन बटन्स की। यहाँ से आप एयर फ्लो को कम ज़्यादा और यहाँ से आप एयर फ्लो के मोड्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप एसी को आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ नीचे की तरफ आपको मोबाइल को रखने का स्पेस दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग आपको अपर वेरिएंट्स में ही ऑफर की जाती है। और यहाँ राइट साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया गया है विद क्रोम ट्रीटमेंट, जो कि अगेन काफ़ी डिसेंटली यहाँ पर प्लेस्ड किया गया है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश देखने को मिलेगी इसके सेंटर कंसोल में। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है इसका सेंटर कंसोल देखने में। और बात की जाए अगर यहाँ पर रेयर व्यू मिरर की, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपको रेयर व्यू मिरर देखने को मिलेगा। और कैबिन लैंप की अगर बात करें तो आपको हेलोजन में कैबिन लैंप ऑफर किए गए हैं। इनका थ्रो भी नाइट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आपको देखने को मिलेगा। वैनिटी मिरर की बात करें तो कोर ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, जबकि कोर ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। और बात की जाए अगर यहाँ नीचे की, तो यहाँ पर आपको इसका 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है, काफ़ी हैंडी है, आपको ऑफर किया गया है। और यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना रहा है इसके गेयर नॉब को। एक बार मैं आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी चेक करा देता हूँ। उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। विद गाइडलाइंस आपको ये देखने को मिलेगा। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। और यहाँ पर आपको इंडिकेशंस भी आती हैं, जैसे अभी इस टाइम पे आपका बूट ओपन है तो यहाँ पर आपको वार्निंग ऑफर हो रही है कि आपका बूट राइट नाउ ओपन है। तो काफ़ी आपको यहाँ पर हैंडी साइज का गेयर बॉक्स देखने को मिलेगा। और सराउंडिंग में आपको यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको इसकी मैनुअल हैंडब्रेक ऑफर की गई है, जो कि क्रोम टिप के साथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी, अपने छोटे मोटे सामान या फ़ोन वगैरह को आप यहाँ पर रख पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच के साथ आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा, ये भी आपको विद स्टोरेज ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर भी आप अपना छोटा मोटा सामान इजी रख पाएंगे। तो स्टोरेज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करें अगर ग्लव बॉक्स की, तो ये देखिए कितना बड़ा आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है। इजली आप अपना सामान वगैरह यहाँ पर रख पाएंगे। बहुत ही अच्छा स्टोरेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है रेनो काइगर में। और यहाँ ऊपर की तरफ भी आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ भी आप अपना सामान इजली रख पाएंगे। तो स्टोरेज के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलेंगे। स्टोरेज के रिगार्डिंग आपको कोई भी यहाँ पर इशू नहीं रहने वाला है। बात करें अगर यहाँ पर डोर ट्रिम की, तो सेम यहाँ पर भी आपको ड्यूल टोन में डोर ऑफर किया गया है। सीट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छा अंदर थाई स्पोर्ट ऑफर करती है। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर कुशनिंग भी आपको देखने को मिलेगी सीट्स की। हेडरेस्ट की बात करें, तो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में आपको बहुत ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सेंटर कंसोल की, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है इसका सेंटर कंसोल देखने में। कीज़ की अगर बात करें, तो स्मार्ट की आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। राइट नाउ ये पैक्ड है, आपको बैक में यहाँ पर रेनो का लोगो देखने को मिलेगा। तो फ्रंट सीट जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, मेरी हाइट 5'11" है। तो देखते हैं आपको रेयर रो में कितना स्पेस ऑफर किया गया है रेनो काइगर में। उससे पहले अगर बात करें हम यहाँ पर बिल्ड की, तो बिल्ड भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलेगा इसके डोर ट्रिम में। यहाँ पर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल और नीचे की तरफ आपको स्टोरेज और यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो सीटिंग की अगर बात करें, तो काफ़ी यहाँ पर कंफर्टेबल आपको सीटिंग देखने को मिलेगी। लेगरूम की अगर बात करें, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लेगरूम देखने को मिलेगा। और नी रूम भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट आपको ऑफर किया गया है। हेडरूम भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगेन सीट्स आपको काफ़ी बड़ी यहाँ देखने को मिलेंगी रेयर रो में भी, जो कि आपको बहुत ही अच्छा अंदर थाई स्पॉट ऑफर करती है और बहुत ही अच्छा आपको कम्फर्ट प्रोवाइड करेंगी। यहाँ रेयर में आपको एसी वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं। और साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है चार्जिंग के लिए। इसलिए आप अपने फ़ोन वगैरह को यहाँ पर चार्ज कर पाएंगे। बात की जाए अगर यहाँ पर हेडरेस्ट की, तो रेयर में आपको यहाँ पर दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट की अगर बात करें, तो रेयर में आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है RXT वेरिएंट में, जो कि अगेन काफ़ी कन्वीनियंट रहता है आपको लॉन्ग ड्राइव्स में। तो RXT वेरिएंट में इसीलिए आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बोल रहा था। यहाँ पर आपको ट्विन में कप होल्डर और यहाँ सॉफ्ट टच भी देखने को मिलेगा। और रिक्लाइन एंगल की अगर बात करें, तो काफ़ी अच्छा यहाँ रिक्लाइन एंगल देखने को मिलेगा आपको, जो कि आपको बहुत ही अच्छा कम्फर्ट प्रोवाइड करता है रेयर रो में।
और यहाँ रेयर में भी आपको कैबिन लैंप ऑफर किए गए हैं, ये भी अगेन आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। और कुछ इस टाइप का आपको सेंटर कंसोल देखने को मिलता है रेयर रो से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी आपको प्रीमियम टच ऑफर करता है। तो यार यही कुछ था इसके इंटीरियर में, काफ़ी आपको अच्छा सा इंटीरियर यहाँ देखने को मिलता है। सिंपल और सोबर रखा गया है इसके इंटीरियर का डिज़ाइन और काफ़ी स्पेशियस आपको देखने को मिलेगा। इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है आपके लिए रेनो काइगर। एक बार मैं आपको इसका इंजन भी चेकआउट करा देता हूँ। तो बात की जाए अगर यहाँ पर इंजन स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 1 लीटर का एनर्जी पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि प्रोड्यूस करता है 71 BHP एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। काफ़ी नीटली आपको यहाँ पर प्लेस मिलेगा इसका इंजन। और बात की जाए अगर यहाँ पर माइलेज की, तो 19 KMPL की माइलेज क्लेम करती है रेनो। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया गया है, तो कैबिन नॉइस आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। काफ़ी साइलेंट आपको कैबिन देखने को मिलेगा रेनो काइगर का। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ वॉशर फ्लूइड फिल करने का पॉइंट दिया गया है, ये भी काफ़ी यूनिक जगह पर प्लेस किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो काफ़ी वैल्यू पैक ऑफ मनी बन जाती है आपके लिए रेनो काइगर, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर माइलेज भी देखने को मिल रही है। और सेफ्टी के मामले में भी 4 स्टार सिक्योर करती है आपकी एनकैप रेटिंग में। और इस पर्टिकुलर वेरियंट में आपको यहाँ पर 4 एयरबैग्स ABS विद EBD भी ऑफर किया गया है, तो सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ देखने को मिलेगी रेनो काइगर RXT वेरियंट में। तो बात करें अगर रेनो काइगर की डायमेंशंस की, तो यहाँ पर आपको 3991mm की लेंथ ऑफर की गई है। विड्थ की अगर बात करें तो 1750mm आपको विड्थ देखने को मिलेगी, और हाइट की अगर बात करें तो 1605mm आपको हाइट ऑफर की गई है। तो डायमेंशंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी रेनो काइगर की। तो बात की जाए अगर यहाँ पर प्राइसिंग की, तो रेनो काइगर RXT ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको 8,14,000 एक्स शोरूम पड़ता है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है आपके लिए रेनो काइगर। तो यार यही था आपकी रेनो काइगर RXT ऑटोमेटिक का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।